नमस्कार, मेरा नाम है मोहसिन खान। हम जोधपुर ज़िले से हैं और मुझे बुलाया गया जयपुर से। मैं तो प्रॉपर जयपुर से हूँ, मुझे बुलाया गया जोधपुर में। तो मैंने जो स्टॉल वगैरह लगाई है जोधपुर से लगाई है। जोधपुर में भी मेरा घर है, मुन्ना भाई के नाम से स्टॉल लगी हुई है, वो हमारे फादर हैं। हमारा काम है लाख की चूड़ियों का। लाख की चूड़ियाँ अपने पूरे ही देश के अंदर सब जगह फेमस है और इसकी कला भी अच्छी है कि कई लोग इसकी अच्छी पकड़ करते हैं कि लाख की चूड़ी किस तरीके से बनती है, क्या है क्या नहीं है। ये एक पीपल के पेड़ पे बनती है, पीपल के पेड़ पे गोंद जैसी होती है। तो इसको गांव वाले इकट्ठे करके फिर हम लोगों को सप्लाई करते हैं, फिर हम लोग इसको गर्म करके बनाते हैं तो ये बिल्कुल पिघल के पानी की तरह हो जाती है। फिर इसके अंदर जैसे हम कलर वगैरह मिलाते हैं, रेड कलर मिलाना है तो रेड बनता है, फिर ब्लैक बनाना है ब्लैक, इसके अंदर जितना भी मैचिंग का कलर होता है वो सारा बनते हैं। कई कस्टमर वगैरह ऐसे होते हैं कि हम साड़ी की मैचिंग लाते हैं कि साहब हमें इस प्रकार की चूड़ी पहननी है, इस कलर का दो, तो हम उसको वो भी तैयार करते हैं। फिर स्टोन वगैरह बाज़ार में मिलते हैं, स्टोन भी वगैरह लाके और हम लोग गर्म करके स्टोन वगैरह भी लगाते हैं। कोई कस्टमर बोलता है कि हमारे को ये चीज़ पहननी है, डिज़ाइनिंग दो इसमें, तो उस तरीके की हमारे को डिज़ाइनिंग भी लेनी पड़ती है। इस प्रकार से हमारे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। और ये है कि जैसे हमारा ये बिल्कुल खानदानी काम है, बिल्कुल जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब से तो मैं देखता आ रहा हूँ कि ये लाख की चूड़ियाँ चल रही है, क्योंकि हम मनियार समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे पापा दादा वगैरह जो भी हैं सब ये लाख की चूड़ियाँ ही बनाते हैं घर वगैरह में, और हमारे कई कारखाने वगैरह भी हैं उसके अंदर। तो जब से बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से लाख की चूड़ियाँ ही देखी हैं, हम भी आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे कि हमारा कला है लाख की। और क्राफ्ट बाज़ार में आप लोगों ने बुलाया है हमें, हम बहुत खुश हुए और अच्छा भी लगा हम लोगों को आपके यहाँ पे आ गए। और अदिति मैम को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमें बुलाया और अच्छा लगा। बिल्कुल लिफ्ट ने हमें बुलाया, हमारे जैसे फादर मुन्ना भाई वो लिफ्ट के बच्चों को काम वगैरह भी सिखाते हैं, दिखाते हैं उनको स्टूडेंट वगैरह वगैरह सबको कि कैसे बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता, डेमो वगैरह लगता है मार्केटिंग वगैरह में। लिफ्ट ने हमें बुलाया, इनका बहुत बड़ा वो है कि हमारे को बाज़ार में इतना बड़ा मौका मिला आने का क्राफ्ट बाज़ार में। क्राफ्ट बाज़ार 3 और 4 फरवरी का लगा है 2023 में जोधपुर में महेश्वरी भवन में, इसके अंदर हमें बुलाया गया है। इसमें हमें भी अच्छा लगा मार्केटिंग करके भी, और अच्छा लगता है कि जब मार्केट में आते हैं हम तो कुछ सीखने को ही मिलता है, कुछ ना कुछ। जब भी हम नए बाज़ार में जाते हैं तो कुछ सीखने को ही मिलता है, नए नए कस्टमर से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। और कई ऐसे लोग आते हैं कि जो हमें जानते भी हैं, कोई नहीं जानते हैं, कई काफ़ी मिलने का मौका मिले नहीं मिले, यहाँ पे क्राफ्ट बाज़ार में आए हैं तो कई प्रकार के लोग आए हैं, हमसे मिले भी हैं और उनको अच्छा भी लगा मिलके, और हमें भी अच्छा लगा मिलके उनसे कि हमारा कला देखी उन्होंने, कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं है। जोधपुर के अंदर महेश्वरी भवन में शिल्प बाज़ार लगा है, हमें लिफ्ट ने बुलाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नए नए लोग मिले हमें, कहीं दूर दूर से बहुत लोग आए, और डायरेक्टर सर को और अदिति मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बुलाया। और ये निःशुल्क है, हम बिल्कुल निःशुल्क आए हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।